पीएम मोदी का सपना साकार हो रहा है। भारत का बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप दुनिया के लिए उपलब्ध दूसरे सबसे बड़े माइक्रो ब्लॉग के रूप में उभरकर सामने आया है। अब इसके आगे सिर्फ ट्विटर ही है। इस मंच पर यूजर्स और उनके द्वारा बिताए जाने वाले समय और यूजर्स के जुड़ाव में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। आपको बता दें कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर है। गूगल प्ले स्टोर पर इस समय इसको 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। इसे मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में इस प्लेटफॉर्म ने 5 करोड़ डाउनलोड हासिल किए हैं। कह सकते हैं कि इस समय भारतीय कू ऐप एकमात्र माइक्रो ब्लॉग है जो ट्विटर जैसे कई अन्य वैश्विक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के साथ टक्कर ले रहा है। वहीं यूजर डाउनलोड के मामले में यह दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यदि इसी तरह से इसकी रफ्तार जारी रही तो अगले कुछ साल में यह ट्विटर के लिए खतरा बन सकता है। वैसे भी ब्लू टिक के लिए पैसे लेने की घोषणा के बाद ट्विटर के कुछ यूजर्स बिदके हुए हैं। कू ऐप के सीईओ और सह संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्ण का कहना है कि फिलहाल कू ऐप संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, कनाडा, नाइजीरिया, यूएई, अल्जीरिया, नेपाल, ईरान और भारत सहित 100 से ज़्यादा देशों में 10 भाषाओं में उपलब्ध है। कू ऐप ने लॉन्चिंग के बाद से प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 7,500 से भी अधिक येलो टिक ऑफ एनिमेंस और 1,00,000 ग्रीन सेल्फ वेरिफिकेशन टिक दिए हैं। यह ज़्यादा से ज़्यादा नई वैश्विक भाषाओं को जोड़ने और अधिक देशों में डिजिटल स्वतंत्रता को सक्षम बनाने के लिए काम कर रहा है। कू ऐप फिलहाल हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिया, बंगाली और अंग्रेजी भाषा समेत 10 भाषाओं में उपलब्ध है। देश और दुनिया की दिलचस्प खबरों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।